लगता है ये साल भी बीमारियों से बच नहीं पाएगा। एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। नए साल के अभी 15 दिन ही बीते हैं कि एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में कई स्टार्स तो जिंदगी गंवा ही चुके हैं कि आज हार्दिक पांड्या के पिता और बिग बॉस की मैनेजर प्रिस्ता भी दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। वहीं शाम होते होते बॉलीवुड एक्ट्रेस प्राची देसाई को इस हाल में देखकर लोग तो घबरा ही गए। लोगों को अनहोनी का डर सताने लगा। प्राची को मुंबई एयरपोर्ट पर जिस हाल में देखा गया वो देखकर हर कोई डर गया, उनसे सवाल पूछने लगा। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्राची देसाई शनिवार को व्हीलचेयर पर बैठकर मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। प्राची की इस हालत को देखकर फैंस भी हैरान हैं। दरअसल प्राची के पैर में चोट लगी है, इस वजह से उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा। प्राची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्राची व्हीलचेयर पर बैठी हैं और उनके बाएं पैर में बैंडेज लगा हुआ है। इस दौरान एक व्यक्ति उनके पीछे खड़ा नजर आया। प्राची सैनिटाइजर से अपने व्हीलचेयर के चारों ओर स्प्रे करती हैं। उसके बाद वो मास्क उतार कर मीडिया के सामने फोटोज क्लिक करवाती हैं। इस बीच प्राची ब्लैक पैंट और मैचिंग टी शर्ट में दिखी। उन्होंने फ्लैट स्लीपर्स पहन रखी थी और गोद में अपना बैग रखा था। प्राची को टीवी सीरियल कसम से में बोनी के किरदार से जबरदस्त पॉपुलरिटी मिली। ये शो 2006 से 2009 तक चला। इस बीच साल 2008 में उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो लाइफ पार्टनर, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन और साल 2013 में आई मी और मैं जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि प्राची पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। साल 2021 के वेलकम से ज्यादा लोगों को 2020 के खत्म होने का अभी भी डर सता रहा है। एक एक दिन को कांपते हुए गुजार रहे हैं, लेकिन जाते जाते भी ये साल लोगों को रुलाने से नहीं मान रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ बीमारी लोगों को खत्म कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ हादसे भी खूब हो रहे हैं। इस मनहूस साल ने सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर, इरफान खान, बाजिद, सरोज खान जैसे मशहूर कलाकारों को तो पहले ही छीन लिया था, जिनका दुख सालों साल नहीं भुलाया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्टार्स बीमारी से नहीं बल्कि दुख से भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और लगातार ऐसा ही सिलसिला जारी है। दिशा सालियान, दिव्या भटनागर जैसी नई उम्र वाली एक्ट्रेस इतनी जल्दी चली जाएंगी किसी को यकीन तक नहीं था। वहीं जाते जाते एक्टर कमाल राशिद खान पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। के खान अक्सर तीखे बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कई स्टार्स की बुराई करने में वो पीछे नहीं रहते हैं, किसी भी एक्ट्रेस पर कमेंट पास करने में गिने जाते हैं, लेकिन ये साल उनके लिए भी मनहूस साबित रहा। दरअसल इस साल के खान ने अपनी मां को खो दिया। के खान की मां के जाने के बाद के खान भी ठीक नहीं है। वो रात दिन अपनी मां के बारे में सोच कर परेशान है। के खान का कहना है कि 14 साल से मैं अपनी मां से दूर हो गया था, लेकिन कभी यकीन नहीं हुआ कि मां एक दिन मुझसे इतनी दूर चली जाएगी। के खान की मां ने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मां को याद कर के खान ने भावुक पोस्ट भी लिखा था। इनसे पहले मशहूर गुजराती एक्ट्रेस मेघना रॉय का भी निधन हो गया था। पिछले एक साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही मेघना रॉय को हार्ट अटैक पड़ा और उन्होंने आखिरी सांस ली। मेघना गुजराती रंगभूमि फिल्म्स और सीरियल्स में उनका काफी योगदान था। बीमारी के कारण मेघना रॉय पिछले एक साल से बेड रेस्ट पर थी। 8 दिसंबर को उन्होंने अपने परिवार के साथ जन्मदिन भी मनाया था। मेघना रॉय के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर मीना ने कहा कि 2 से ज्यादा वो मेघना रॉय की बहुत बड़ी फैन थी। मेघना जी शक्ल से नहीं दिल से भी बहुत खूबसूरत थी। भले ही उनका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी फूडी थी। इसलिए 8 दिसंबर को परिवार और करीबी लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया था। उनके जाने से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े टैलेंट को खो दिया है। जहाँ एक तरफ स्टार्स बीमारी के चलते हमें छोड़कर जाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खतरनाक बीमारी नए नए स्टार्स की जिंदगी पर आफत बनी है। हाल ही में रेमो डिसूजा को भी हार्ट अटैक पड़ा था। इतनी कम उम्र में रेमो हार्ट अटैक के शिकार हो जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था। रेमो की खबर सुनकर लोग घबरा गए थे। खैर, रेमो अभी ठीक है और वो अपने घर भी हैं।
वहीं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मशहूर कलाकार दिव्या भटनागर तो खतरनाक बीमारी के चलते जिंदगी गंवा चुकी हैं। दिव्या को इस हाल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पति गगन गबरू थे। गगन पर उनके परिवार और दिव्या के दोस्तों ने आरोप भी लगाए थे। देवलीना भट्टाचार्य ने तो अपनी बहन जैसी दिव्या के लिए वीडियो अपलोड करते हुए पूरी सच्चाई बताई। देवलीना ने दिव्या के लिए बहुत लड़ाई लड़ी लेकिन वो उस लड़ाई में जीत नहीं सकी। देवलीना भट्टाचार्य की क्लोज फ्रेंड और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या भटनागर के साथ जो हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिरी वक्त में भी दिव्या ईश्वर का नाम लेकर बस इस नर्क से निकलने की दुआ कर रही थी। दिव्या कह रही थी कि मुझे जल्दी बुलाओ क्योंकि यहाँ उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जिसे वो सह नहीं पा रही थी। दिव्या के पिता तक बेटी की पीड़ा देख नहीं पा रहे थे। शादी होते ही दिव्या एक नहीं दो नहीं तीन चार बीमारियों की शिकार हो गई थी। दिव्या के माता पिता का कहना है कि दिव्या बिल्कुल सही सलामत थी। हर वक्त चेहरे पर मुस्कान और हंसमुख लड़की थी। कोई भी परेशानी हो वो चुटकियों में सॉल्व कर लेती थी। अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिन बना देती थी। हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी। अब भला ऐसी लड़की कैसे दुनिया छोड़कर जा सकती है। सबको हंसाने वाली दिव्या अंदर से मायूस थी। दर्द को सह जा रही थी। जब दर्द सहना मुश्किल हो गया तो उसके शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। माता पिता का कहना है कि दिव्या बीमारियों से नहीं गई बल्कि उसे जानबूझकर हटाया गया। जी हाँ, दिव्या के पति गगन गबरू ने उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट से इतनी मजबूत हो गई थी दिव्या कि उसे बीमारियों ने घेर लिया। शादी के बाद डिप्रेशन में आ गई। अब जिसके लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वही छोड़कर चला जाए तो दिव्या डिप्रेशन में तो चली जाएगी। डिप्रेशन ने दिव्या को झकझोर कर रख दिया था। बावजूद दिव्या लड़ती रही और धीरे धीरे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से दिव्या डायबिटीज की शिकार हो गई। डायबिटीज के बाद दिव्या निमोनिया की भी शिकार हो गई और इस वक्त चल रही खतरनाक बीमारी ने दिव्या को छीन ही लिया। आखिरी दिनों में दिव्या की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। पिछले 6 दिनों से उनके शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा था। उनका ऑक्सीजन लेवल 71 पर आ गया था। दिव्या भटनागर टीवी की पॉपुलर एक्टर में से एक थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों के किरदार ने उन्हें खूब शोहरत दी। इसके अलावा दिव्या विश शेठ जी सवारे सबके सपने जैसे कई सीरियल्स में काम कर चुकी थी। तो दिव्या को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें।